बहुत सारे पेरेंट्स के, हमारी माताओं के, बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी, हमारे पुत्र का जन्म या हमारी पुत्री का जन्म कार्तिक के महीने में हो रखा है, तो क्या कार्तिक के महीने में संतान का जन्म होने से उसको कोई दुख संकट तकलीफ होता है या उसको कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है? हम काफ़ी दिनों से इस बात को सोच रहे थे लेकिन हमें इस प्रश्न का जो है उत्तर नहीं मिल रहा था, और बहुत दिनों से हम आपसे भी पूछने की कोशिश कर रहे थे। तो उन सभी माताओं को, बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी कार्तिक से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आज का यह एपिसोड आप सभी के लिए है। कार्तिक के महीने में पैदा हुए बच्चे कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनका शारीरिक, उनका स्वास्थ्य, उनका लग्न, इसके ऊपर आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो बच्चे कार्तिक में पैदा होते हैं उनका जीवन किस तरह का चलता है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सभी को आज का जो है एपिसोड है ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी हर रोज़ हर कहीं आपको नहीं मिलती है। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आप सभी को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। साथियों, शास्त्रों में क्या कहा गया है, जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है और उनका टोटल जीवन में कैसा उनकी पोजीशन रहती है, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। एपिसोड को आपने कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। कार्तिक के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं वो शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका सूर्य खराब होता है, यानी कि कार्तिक के महीने में जो सूर्य देव हैं वो तुला राशि में होते हैं और तुला राशि में सूर्य को सबसे नीच का माना जाता है, अर्थात सूर्य का जो शुभ प्रभाव होता है वो तुला राशि में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तुला राशि में होने के कारण सूर्य अपना किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव जातक को नहीं दे पाते। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है उनके पिता का जो स्वास्थ्य होता है वो भी उतार चढ़ाव भरा रहता है, अर्थात ऐसे बच्चे या तो इनका खुद के शरीर पर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है या फिर इनके जो पिता हैं उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण रहता है बच्चे के जन्म से बाद से। जो बच्चे कार्तिक के महीने में पैदा हुए हैं उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इनका जीवन थोड़ा अधिक परेशानियों भरा रहता है आम बच्चों के मुकाबले अगर हम बात करें, क्योंकि सूर्य देवता जो है वो नवग्रहों में राजा कहे गए हैं, अर्थात अगर आपका सूर्य सही होगा तो बाकी के जो ग्रह हैं वो भी आपको अपना शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन अगर आपका सूर्य
अच्छा नहीं होगा, अगर आपका सूर्य बलवान नहीं होगा तो बाकी के जो ग्रह हैं वो भी आपको अपना अच्छा या शुभ परिणाम देने में कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य का शुभ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा गया है। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में होता है उनकी जन्म पत्रिका में, उनकी जन्म कुंडली में कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष बनता है, और जब तक कार्तिक शांति नहीं करवाई जाती है तब तक बच्चे को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संकट परेशानियों का, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कार्तिक के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें अपनी लाइफ में जो कुछ भी वो मतलब करने की सोचते हैं या किसी चीज़ को भी पाने के लिए अगर सोचते हैं तो आम बच्चों के मुकाबले उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उन्हें छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त होती हैं। कार्तिक के महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें अक्सर उनका जो आत्मविश्वास होता है या उनका जो कॉन्फिडेंस होता है उसका भी जो लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है। कार्तिक के महीने में पैदा हुए बच्चे इनमें कहीं ना कहीं इनकी जो याददाश्त होती है वो भी थोड़ी कमज़ोर देखी गई है। आम तौर पर देखा गया है ऐसे बच्चों को या तो चीज़ों को भूलने की शिकायत रहती है, या अगर ऐसे बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ों को याद नहीं रख पाते, इनकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब तक इनकी जन्म कुंडली में ये सूर्य का दोष लगा हुआ होता है इनकी जो पढ़ाई है वो भी एवरेज से कम रहती है। और कई बार तो कई बच्चों की कुंडली में तो यहाँ तक देखा गया है कि जिनकी कुंडली में ये कार्तिक दोष बना हुआ होता है ये बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद भी परीक्षा में, अपने एग्ज़ाम्स में सफलता को हासिल नहीं कर पाते। तो इसलिए जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है इनके लिए माता पिता को चाहिए जितना जल्दी हो सके कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष की शांति होती है वो तुरंत प्रभाव से करवाएं, ताकि आप चाहते हैं आपके बच्चे को आने वाले निकट भविष्य में किसी प्रकार का कोई संकट, कोई कष्ट ना हो। अगर आप कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति से जुड़ी हुई पूजा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कार्तिक का महीना अक्टूबर नवंबर के मध्य में आता है। जय माता की।